क्या हो गया? बिल्कुल नहीं चलाया। उसने बोला पंचर है, कील लगी हुई, मैंने भी कील लगी, इतनी छोटी सी कील थी। तो देखते हैं गाइस, आज कुछ बड़ा रिस्क लिया है हमने। ठीक है, वेलकम बैक, स्वागत है फिर लोगों के। सो गाइस, दोपहर के समय द्वारा आज का व्लॉग है गाइस, कुछ ज़्यादा ही लेट चालू कर रहा हूँ मैं, बस बोलते ना आधा दिन तो चला गया। आज इतनी साफ है गाइस, आसमान देखिए ऐसे लग रहा है गाइस, ऊपर ब्लू कलर कर दिया गाइस किसी ने, इतना क्लियर गाइस गाइस अच्छी में। और यार ये बिल्डिंग के पीछे स्काई देखिए गाइस, आपको कितना मतलब बोलते ना कलरफुल लग रही है, मतलब कितना पेस्टल कलर लग रहा है गाइस एकदम। तो वही गाइस, अभी आज का डे को स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी बजे दोपहर के दो, आज मैं जिम भी नहीं गया था गाइस सुबह, आज के आराम से उठा था अपना। और वही सुबह आज जिम नहीं गया था, आज अपन को जिम जाना गया था अभी शाम को, इसलिए नहा के वापस मैंने ट्रैक पैंट और टी शर्ट ही पहन लिया। फिर फटाफट अभी लंच करेंगे, फिर शेक पीएंगे, फिर एक घंटा बैठ के फिर अपन जिम चले जाएंगे। तो वही चलते हैं गाइस, बाहर करते हैं लंच, आज का डे करते हैं कंटिन्यू, और फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। आज लंच में है मस्त पनीर की सब्जी और रोटी, खाते एंजॉय करते हैं गाइस। और कल तो मैं वही आपको टीवी दिखाना भूल गया था, ये गाइस देखिए अपने न्यू टीवी। तो बस एंजॉय करते हैं अभी फटाफट और फिर आपको मिलता है। कैसे बजे शाम के 5:15 ब्लॉक से ज़्यादा भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और गाइस आया था जिम अपना, जो वर्कआउट है गाइस एक नंबर पूरा डन है। और गाइस प्लान ये है कि न्यू टाउन एरिया में कुछ अलग टाइप की स्ट्रीट खुली है, कुछ अलग है गाइस देखने लायक है। मतलब बोलता ना फर्स्ट टाइम ही गाइस मैंने जैसे कोलकाता में देखा है न्यू टाउन में खुला, मैं आपको जाके दिखाऊँ या चाहूँगा तो दिखाऊँगा गाइस। वो प्लान कर रहे गाइस मैं और मेरा फ्रेंड दोनों लोग मिलकर, देखते गाइस प्लान बना तो अभी घर जाते हैं हम, निकलेंगे 15-20 मिनट में। तो भाई जाता हूँ घर फटाफट और मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस ये बज रहे हैं शाम के 5:45, तो वही घर आ गया था गाइस। फिर पूछा मेरे फ्रेंड को, फिर कंफर्म किया गया हम लोग जा रहे हैं गाइस। और कहाँ जा रहे हैं मैं आपको पहुँच के बताएंगे, पूरा प्रॉपर नाम तो गाइस मेरे को अभी तक नहीं पता। उसने रील भेजी, मेरे को पसंद आई जगह, तो सोचा कि जाके इसको एक्सप्लोर करके है न्यू टाउन एरिया में गाइस। जितना बताया मेरे को भी इतना ही पता है, जाके नीचे मैप करेंगे और आपको मिलते हैं मोटर ब्लॉग में। थोड़ा माइक आज ठीक कर लिया गाइस, लास्ट मोटर ब्लॉग में तो बोलता ना आवाज़ ठीक से आई नहीं गाइस, उसके लिए मैं पूछ सकता हूँ, मैं इस बार ध्यान रखेंगे गाइस, क्लिप एक बार चेक कर लूँगा गाइस मैं बोल के। तो वे निकलते हैं फटाफट, और आज गए मॉम ने जैकेट पहना दिया गया, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था सोचा कि आज भी टी शर्ट में ही जाएंगे अपन, लेकिन मॉम ने बोला अभी ठंड है रेस्ट मत लो, मैंने बोला ठीक है चलो बात मान लेते हैं। तो चलते हैं गए फटाफट, आपको मिलता है मोटो ब्लॉग में। हाय गाइस, ले बे बैठ गया, स्कूटी बोलते साइकिल वर्सेस स्कूटी, इतना बेइज्जती। तो गाइस चलते हैं फटाफट, अरे अरे हाँ चलते हैं गाइस, जैकेट पहना है, देखते हैं सही डिसीजन क्या हो गया। ओ गाइस बोलते हैं ना कोलकाता में ऐसा क्लोज कॉल चलते रहते हैं, लेकिन ये क्लोज कॉल नहीं था गाइस, ये तो गले लगा ली गाइस पीछे वाले गाड़ी ने सामने वाले गाड़ी को। तो बोलते ना एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा, छोटा ही है गाइस, सिटी में कौन से बड़े एक्सीडेंट होते हैं, वो भी ट्रैफिक में गाइस, भिड़ा दी गाइस खाली बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और गाइस सुजुकी है ऊपर से, तो आपको पता है सुजुकी की बॉडी मतलब बच्चों का खिलौना सेम है गाइस, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है सुजुकी की बॉडी, मतलब बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, कार की, सुजुकी बाइक एक नंबर बताते हैं गाइस। इसकी बॉडी पता नहीं भी कितनी वीक है, लेकिन कार में तो गाइस सबको पता है गाइस सुजुकी की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं आती, और दोनों सुजुकी थी गाइस, सुजुकी थी एक टाटा थी पता नहीं, मेरे को भी क्लिप प्रॉपर चेक करनी पड़ेगी गाइस। कोई नहीं चलो अभी पहुँचे हैं गाइस पहुँचता, ये सब क्लियर कवर करते हैं, ये सब एरिया क्लियर करते हैं गाइस, और फिर थोड़ा आगे जाके आपको मिलते हैं। और गाइस जब पेट्रोल पंप निकलने के पहले मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल थोड़ा भरवाया और थोड़ी हवा भी चेक करवाई, तो उसने बोला कि आपका आगे वाला टायर पंचर है, कील लगी हुई है गाइस उसमें। तो कील वाले टायर को गाइस को हम अभी हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने मैंने पंचर निकालेंगे टाइम लगेगा, ये गाइस है ट्यूबलेस टायर, अभी पता नहीं कील कब लगी, क्योंकि 3-4 दिन से इस बाइक को मैंने चलाया ही नहीं है गाइस, सच्ची में बिल्कुल नहीं चलाया। उसने बोला पंचर है, कील लगी हुई, मैंने भी कील लगी, इतनी छोटी सी कील थी। तो देखते हैं गाइस आज कुछ बड़ा रिस्क लिया है हमने, नहीं स्टेपनी, अरे बाइक में स्टेपनी थोड़ी होती है, वो मेरे को ही पता है गाइस, मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब देखते हैं क्या होता है गाइस। ट्यूबलेस टायर इसलिए मैंने रिस्क लिया है, ये ट्यूब वाला टायर तो गाइस कब की आवाज़ निकल गई होती, वैसा कुछ अब नहीं है,
तो वही देखते हैं आज पंचर वाले टायर में हम लोग कितना दूर जाते हैं और क्या होता है हमारे साथ गाइस आज। क्या हमें टेम्पो मंगवाना पड़ेगा या किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो भी होगा आपको बताएंगे, आप ब्लॉग में बने रहिए। मेरे को भी इतना हंसना आ रहा है, गजब रिस्क लिया है गाइस। और वही देखिए गाइस जो एरिया में जा रहे हैं 12 किलोमीटर 46 मिनट, वही थोड़ा आगे जाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। गाइस हमारा पोपट हो गया यहाँ पे, तो स्मार्ट स्ट्रीट और जहाँ जहाँ जाना था गाइस हमें, वो थोड़ा पीछे रह गया गाइस, लेकिन मैप में यही दिखा रहा है गाइस, ये प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं गाइस, वापस सही करते हैं और वहाँ पहुँच के आपको मिलता है। गाइस ये बज रहा है 7:15, तो लोग पहुँच चुके हैं गाइस। ये जो इसका भी नाम स्मार्ट स्ट्रीट है गाइस, यहाँ पे देखिए स्मार्ट स्ट्रीट शायद रील में तो मैंने यही देखा था। और सेंट्रल के ठीक सामने ये सेंट्रल और एरा, तो अभी अंदर जाते हैं गाइस, मैं आपको सब दिखाता हूँ कैसा है। गाइस ये कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे लाइन से गाइस, बर्गर नॉन वेज भी है गाइस, चिकन एंड ऑल। ये रहा गाइस यहाँ पे डोमिनोज का भी स्टॉल है, दिखते हैं गाइस अपन कहाँ से खाते हैं। बहुत सारे स्टॉल है गाइस यहाँ पे देखिए। गाइस वहाँ पे सेंट्रल था और यहाँ पे आया गाइस इस ब्रिज के नीचे, तो देखिए ये ब्रिज गाइस कितना मस्त प्रिंटेड है गाइस नीचे से। और यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है गाइस सोना जुड़ी आर्ट, सब आर्ट वर्क है गाइस अंदर, लगभग मेरे को सब हैंडमेड ही होगा। चलते हैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए फ्लावर। ये तो गाइस ब्रिज ही कितना शानदार है गाइस नीचे से फुल प्रिंटेड। ठंड का असर हाँ इसके ऊपर ना गाइस, इसके ऊपर से हम लोग गए और लेफ्ट में हम लोग कुछ दिखाई नहीं गाइस, मैं थोड़ा स्पीड में था इसीलिए। मस्त है गाइस यहाँ बैठने का भी, ब्रिज के नीचे गाइस इतना आज तक पता नहीं हम लोग इतना इतनी बारिश ब्रिज के ऊपर से गए ना गाइस, सच्ची में मेरे को पता नहीं गाइस ब्रिज के नीचे ये भी है। 6 ईयर्स के बच्चे गाइस आ सकते हैं सिर्फ दो जगह गए, हम लोग सामने जाके हैं अभी, हम लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ पे गए, और अच्छा आर्ट है आर्ट वर्क है गाइस। एक है गाइस देखिए ये है तो शॉप, लेकिन यहाँ पे भी आर्ट है बैठने का, कितना शानदार है गाइस ड्रम काट काट के। ये भी देखिए गाइस कितना मस्त है यहाँ पे भी। अच्छा वॉच बॉक्स तो गाइस मेरे को लेना है, क्या 5-6 घड़ी है अच्छे से अपन रख सके, जो वॉच बॉक्स पुराना है गाइस वो तो टूट गया है, नया लेना है। हम लोग रुके भी स्नैक ट्रैक पे, स्नैक ट्रैक ही है गाइस, मेरे को लगा ट्रक नाम होगा, वही गाइस लिट्टी चोखा ट्राई करते हैं गाइस, वैसे भी ठंड आ रही है गाइस। चलो आके अभी हम लोग आए गाइस इस ट्रक पे, ट्रक का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस, फोकस कर लेता हूँ। हाँ अभी देखिए है तो गाइस सब मतलब बोलते हैं ना सब मिक्स है गाइस यहाँ पे, अभी मैं बोलूँगा तो नहीं प्योर वेज है, लेकिन हमने ऑर्डर किया गाइस चीज़ फ्रेंच फ्राइज, देखते हैं कैसा होता है। मस्त एरिया है गाइस, आ सकते हैं आप लोग भी यहाँ पे, लाइन से कितने सारे फूड ट्रक्स है गाइस देखिए। सुबह से बज रहा है 8:15, तो वही मज़ा आया गाइस यहाँ पे, मतलब किड्स और तो देख वो अपन खोल रहे थे ना किड्स और तो। हाँ गाइस क्या बोला था गाइस, बहुत मज़ा आया हम लोग को। और गाइस रोड देखे मस्त है, स्केटिंग लेके आया था गाइस, स्केटिंग बैडमिंटन साइकिलिंग सब कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं गाइस अभी घर के लिए निकलते हैं अपन, मिलते हैं गाइस। अभी बज रहा है शाम के 8:30 गाइस, और पहुँच चुके हैं माफलावर पे गाइस। आधा घंटा और लेट होता शायद 9 या 10 बजे के बाद, आधे या एक 1.5 घंटे के बाद गाइस बाइक अलाउड नहीं है माफलावर पे। और रात को लाइटिंग में तो गाइस अलग ही सुंदर लगता है ये, सच्ची में लाइटिंग ही नेक्स्ट लेवल है इसकी। तो वही गाइस जो टेम्परेचर डाउन हुआ है सच्ची में, अच्छा हुआ गाइस आज जैकेट पहन लिया। बाइक पे गाइस जैसे ठंडी लगती है ऐसे नॉर्मली गाइस मेरे को ठंडी नहीं लगती इतनी। तो वही चलते हैं गाइस अभी घर फटाफट, और आपको मिलते हैं घर पहुँच के। अटो 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 भाई अटो, a few moments later. So guys, मुझे रात के 11:15 ब्लॉग जो है अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ गाइज, वही इतना मज़ा है मतलब गाइज आज राइड पे, मतलब जो वेदर था वेदर मतलब इतना ठंडा था, और ठंड में बाइक चलाने का अलग ही मज़ा था। ठंड ही बोलते ना कि प्रॉपर वेदर है बाइक राइड के लिए, तो बहुत मज़ा अच्छा होगा। मैं जैकेट पहन के बिना जैकेट के जाता ना गया, सच्ची में सर्दी लग जाती बाइक पर लग जाती ऐसी इतनी ज़्यादा ठंड थी नहीं। तो वही गाइज ऐसे कुछ अच्छा ब्लॉग शॉर्ट एंड स्वीट, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट।